विजयदशमी के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजसी लुक में नजर आए। दशहरे पर वे ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर पहुंचे और सिंधिया राजवंश की परंपरा अनुसार पूजा की। रियासतें भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन रियासतकालीन परंपराएं का निर्वहन ग्वालियर में आज भी जारी है। इसका उदाहरण है ग्वालियर में सिंधिया परिवार। विजयदशमी के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के गोरखी स्थित देवघर में राजशाही पोशाक पहनकर पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कुल देवी देवता दक्षिण केदार दुर्गा मैया राजसी शास्त्र मुहर प्रतीक चिन्हों की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शास्त्रों का पूजन किया और राजशाही गद्दी पर बैठकर दरबार लगाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके बेटे महा आर्यमान सिंधिया भी मौजूद थे। वह भी पारंपरिक पोशाक में नजर आए। कुल देवता मंदिर के पुजारी के मुताबिक दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करने की परंपरा सिंधिया परिवार में आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन समय में राजा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन शस्त्र पूजा किया करते थे। आपको बता दें कि सिंधिया राजघराने की नौवीं पीढ़ी का नेतृत्व ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। ये सत्य की जीत का दिवस, ये न्याय की जीत का दिवस, हम सब आज इस दिवस पर प्रेरणा लें, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के विकास और प्रगति में एक एक नागरिक अपना योगदान दे पाए, ताकि आने वाले दिनों में हमारा देश विश्व पटल पर अग्रसर हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।